अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, ठीक ठाक होंगे? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी भी टिकटॉक वीडियो पर किस तरह फॉर यू ट्रिक लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और 100% रियल ट्रिक है। इसको आप लगा के देख लो, ये बहुत अच्छा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वजह से ये आप लोगों की वीडियो वायरल हो सकती है। अगर एक भी वीडियो वायरल हो गई तो समझो कि आपका अकाउंट वायरल हो गया, तो आपकी मौजें लग जाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। यहाँ पर आपने एक VPN को डाउनलोड कर देना है, स्काई VPN। ये यहाँ पर आपने सर्च करके ये ऊपर जो ऐप आपको नज़र आ रहा है आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन कर देना है, जो आपका टिकटॉक अकाउंट है। तो यहाँ से आपने अपने अकाउंट में चला जाना है। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, उसकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होगी। अगर आपका पुराना अकाउंट है फिर भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो इस तरह करना है, आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो आपने यहाँ से अपना थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने मैनेज अकाउंट में आना है। मैनेज अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आपने ये स्विच टू बिजनेस अकाउंट, यहाँ से आपने इसको बिजनेस अकाउंट कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो वो आपने यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, पर्सनल ब्लॉग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट प्रोफाइल, प्रोफाइल को जोड़ के मैं यहाँ पर वापस आ गया। मैं फिर से 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं नीचे आके यहाँ पर आपने उसके बाद फ्री अप स्पेस पर क्लिक कर देना है। जब भी आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो वीडियो को अपलोड करने से पहले आपने इसका डेटा क्लियर कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं ये डेटा क्लियर कर रहा हूँ, ये मैंने इसका डेटा क्लियर कर दिया। अभी उसके बाद आपने बैक आना है, फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपने अभी अपनी कोई भी वीडियो अपलोड कर देनी है। तो यहाँ से मैं अपलोड पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं एक वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर दी और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने 4 से 5 हैशटैग लगाना है। जो हैशटैग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वही हैशटैग आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है। मैं पहला हैशटैग लगा लेता हूँ, डियर फिर आपने दूसरा हैशटैग लगाना है टिकटॉक, डियर टिकटॉक टीम, उसके बाद आपने वायरल माय वीडियो, वायरल माय वीडियो, वीडियो और उसके बाद आपने फॉर यू पेज। ये मैंने 5-6 हैशटैग आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ये आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट करके आपने अपने वीडियो पर लगा लेना है। वीडियो पर लगाने के बाद यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, अपने कमेंट्स आपने ऑफ करने हैं या ऑन, वो आपकी मर्ज़ी है, ड्यूट। और यहाँ से आपने अभी पोस्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से पोस्ट नो, और ये मेरी वीडियो पोस्ट हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी पोस्ट हो जाएगी मेरी वीडियो। तो थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद ये मेरी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट हो गई। आपने सबसे पहले इसको एक बार खुद शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, उसके बाद आपने इसको एक लाइक भी देना है। लाइक देने के बाद आपने फिर से इसको बैक जाना है।
यहाँ से अभी मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद अभी इस आईडी को मैंने यहाँ से ये ऊपर क्लिक करके इस आईडी को मैंने यहाँ से ये बंद करके दूसरी आईडी इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आपने ये 5 आईडी ये फेक आईडी बनाने हैं तो वह आपने ज़रूर बना लेना है। उसके बाद जब आप आईडी को बंद करोगे तो उसके बाद आपने इसको यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद अभी आपने जो VPN डाउनलोड किया है ना, स्काई VPN, तो आपने उसको यहाँ से ओपन कर देना है। VPN को यहाँ पर आपने ओपन कर देना है। अभी ये लोडिंग हो रहा है। अभी यहाँ पर आपने स्टेट सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से सबसे पहले आपने यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऐड चलेगा, ये 5-10 सेकंड का एक ऐड चलेगा। आपने इसको यहाँ से कट कर देना है और ये सॉरी ये कहाँ पर चला गया, मैं यहाँ से इस ऐड को ख़त्म करके यहाँ पर मैं बैक आ गया। यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया। अभी फिर से आपने यहाँ से बैक आना है और अपने टिकटॉक पर आपने क्लिक कर देना है और अपना अकाउंट यहाँ से आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर वो जो आपका अकाउंट था, जो आपकी आईडी है, आपने यहाँ पर वो आईडी सर्च कर देना है। ऊपर सर्च बार में आपने वो आईडी यहाँ पे सर्च कर देना है और सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आईडी आपके सामने आ जाएगी। ये दूसरे नंबर पर जो आईडी है, ये मेरी आईडी है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपने इस आईडी को ओपन कर फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने इस ये जो वीडियो आपने अपलोड की होगी अपनी वीडियो, तो आपने उसको लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपने यहाँ पर कमेंट करना है, वो आपकी मर्ज़ी। आपने जो लिखना है, जो कमेंट आपने करना है, वो कमेंट आपने कर लेना है। कमेंट करने के बाद यहाँ से आपने इसको 2-3 मरतबा आपने इसको वॉच करना है। यहाँ पर एक बार ये वॉच हो गया, अभी ये दूसरी बार वॉच हो रहा है। तो 1-3 बार आपने इस तरह वॉच करना है। वॉच करने के बाद यहाँ पर आपने फिर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने रिपोर्ट पर जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपने 4-5 रिपोर्टें मारनी हैं। वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह आपने रिपोर्ट मारना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी वाईफाई के सिग्नल चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं। तो यहाँ पर आपने रिपोर्ट में आना है। रिपोर्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर स्पैम एंड फेक एंगेजमेंट आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद अभी आपने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अभी आपने इस तरह करना है कि प्रोफाइल में आना है और इस आईडी को आपने यहाँ से बंद करके आपने अभी दूसरी आईडी ओपन कर देना है। दूसरी आईडी ओपन करना है और दूसरी आईडी से इसी तरह आपने वो आईडी ओपन करने के बाद आपने इसको इस तरह टिकटॉक को यहाँ से ख़त्म कर देना है और आपने अपने स्काई VPN में आना है। स्काई VPN में आने के बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने ये स्टेट दूसरा सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से जर्मनी सेलेक्ट करना है। जर्मनी सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद ये ऐड आएगा, आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद अभी ये थोड़ा लोडिंग होगा, अभी कनेक्ट हो गया। अभी आपने फिर से अपने टिकटॉक अकाउंट में जाना है। टिकटॉक अकाउंट में जाने के बाद अभी दूसरे अकाउंट से आपने दूसरा रिपोर्ट मारना है। तो यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं, वही अपना अकाउंट सर्च कर देते हैं जिस पर हमने ट्रिक लगानी है, वो मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पर ये मेरे आईडी है जिस पर मैं ट्रिक लगा रहा हूँ। तो इसको आपने फॉलो करना है और वीडियो को यहाँ से लाइक करना है, कमेंट करना है। यहाँ पर मैं यू आर सो ब्यूटीफुल ये लिख देता हूँ। कोई अच्छा सा कमेंट आपने यहाँ पर करना है।
कमेंट करने के बाद ये वीडियो आपने वॉच करना है 2 से 3 मरतबा, और फिर से आपने शेयर पर क्लिक कर देना है और रिपोर्ट में जाना है, और रिपोर्ट में स्पैम एंड फेक एंगेजमेंट, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। आप लोग फिर कहेंगे कि यार और आपने जो ट्रिक बताया था वो फेक था, ये वो, आप लोग फिर बातें करते रहते हैं, काम आप करते नहीं है, और फिर बोलते हैं कि आपने जो ट्रिक बताया था वो फेक था, ये वो, फिर बातें करते रहते हो। तो आपने ये अकाउंट भी यहाँ से बंद कर देना है, और आपने इसको यहाँ से ख़त्म करना है, और यहाँ पर आपने डिसकनेक्ट करके ये दूसरी कंट्री यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी ऐड आ गया, मैं ऐड को ख़त्म करके यहाँ से आपने दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ से मैं जापान को सेलेक्ट कर देता हूँ, जापान को सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेसर बता देता हूँ, अभी वीडियो लंबी हो रही है तो नेट का प्रॉब्लम भी कभी कभी आ रहा है, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं कि जल्दी से ये कनेक्ट हो जाए। यार ट्राई अगेन कर देते हैं, यहाँ पर पता नहीं नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा वेट करते हैं। ये नहीं हो रहा, यहाँ से हम चेंज सर्वर लोकेशन, हम दोबारा से यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से आपने फिर से इसको कनेक्ट करके यहाँ पर आपने फिर से अपने टिकटॉक अकाउंट में आना है। टिकटॉक अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने फिर से अपने प्रोफाइल में नहीं सॉरी यहाँ पर सर्च बार में आपने जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपने वो अकाउंट सर्च कर देना है जिस पर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं। मैं जल्दी से वो अकाउंट सर्च करके इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ से फॉलो, यहाँ पर वीडियो को वॉच कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट, ये कमेंट मैंने किया है, और अभी ये वीडियो दो बार तीन बार आपने पूरा वॉच करना है, और उसके बाद आपने शेयर पर क्लिक कर देना है और रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद आपने तीसरा रिपोर्ट भी यही स्पैम एंड फेक एंगेजमेंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तीसरा रिपोर्ट भी आप लोगों ने यही मारना है, और चौथा पांचवा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों ने जो वो लगाना है, जो आपने रिपोर्ट मारना है, वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये दो ट्रिक जो लास्ट में बताने वाला हूँ ये आपने मिस नहीं करने हैं, ये जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपने इस टिकटॉक को यहाँ से ख़त्म करके यहाँ से डिसकनेक्ट कर देना है। डिसकनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस ऐड को क्लोज कर देता हूँ, अभी ये दूसरा ऐड आ गया। यार जल्दी से ख़त्म हो जाओ, अभी वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से। अभी ये दूसरा ऐड आ गया 6 सेकेंड का बैक, यार ये क्या हो रहा है पता नहीं। VPN को खोलते ही एड्स पर एड्स आ रहे हैं, ऐड पर ऐड आ रहे हैं। तो यहाँ से सॉरी यार, मैंने कंट्री यहाँ से आपने यूनाइटेड स्टेट, अभी जर्मनी को, एक बार आपने यूनाइटेड स्टेट को कनेक्ट करना है और दूसरी बार आपने जर्मनी को, और ये कनेक्ट हो गया। अभी फिर से हमने जाना है अपने टिकटॉक अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ से मैं सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर मैं अभी जाऊँगा अपने अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर हमने ये ID ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको मैं फॉलो करता हूँ, फॉलो करने के बाद यहाँ पर मैं इस वीडियो को वॉच करता हूँ। वॉच करने के बाद अभी यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ, ये मैंने कमेंट किया, लाइक किया है, और अभी मैं इस वीडियो पर जो ट्रिक लगाना है तो मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट पे जाता हूँ। रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपने ये दो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये दो रिपोर्ट बहुत अहम है। आप लोगों ने क्या करना है कि बॉयलिंग और हेरेसमेंट आपने इस पर क्लिक करना है, और सबसे ऊपर जो आई हैव बीन बॉयल्ड एंड हेरेस्ड, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये वाला आपने रिपोर्ट इस वीडियो पर मार देना है। ये रिपोर्ट मारने के बाद अभी आपने इस तरह करना है कि बैक आना है और पांचवी आईडी
जो लास्ट आईडी है आपने उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से बैक आना है और यहाँ से आपने दूसरा सर्वर सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं अभी हमने जर्मनी को सेलेक्ट किया था, तो अभी यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बैक आके ये अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर देते हैं। एक टिकटॉक अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ वो अपनी आईडी। ये आईडी मैंने सर्च की है और अभी मैं इसको यहाँ से फॉलो करूँगा। फॉलो करने के बाद यहाँ पर मैं वीडियो को ओपन करूँगा और वीडियो को लाइक करूँगा। लाइक करके यहाँ पर मैं कमेंट करूँगा। कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको 2-3 बार फुल वॉच करना है। फुल वॉच करने के बाद आपने यहाँ से आपने शेयर पर क्लिक करके रिपोर्ट मारनी है। अभी ये जो लास्ट रिपोर्ट है ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जो कुछ आपने करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। अभी यहाँ पर आपने माइनर सेफ्टी आपने इस पर क्लिक कर देना है। माइनर सेफ्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डेंजरस आर इलीगल बिहेवियर्स बाई आपने इस पर क्लिक कर देना है और सबमिट करके डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद ये 5 रिपोर्ट आप लोगों ने यहाँ से मार दिए है, तो उसके बाद आपने इस तरह करना है कि बैक आना है। बैक आने के बाद आपने जिस अकाउंट पर आपने रिपोर्टें मारी है वो अकाउंट आपने ओपन नहीं करना। 24 घंटे तो आपने बिल्कुल ही ओपन नहीं करने हैं। तो आपने इस तरह करना है कि ये आपने उसको 24 से 48 घंटों तक आपने उस अकाउंट को बंद ही रखना है। बंद रख के आपने उसके बाद अपने अकाउंट को ओपन कर देना है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट को ओपन करके आप देख ले, इंशाल्लाह उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।